आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी में कई अहम पदों पर रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता इलियास आजमी ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। बातचीत करने के लिए खुद इलियास आजमी जी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ऐसा पार्टी में क्या गड़बड़ चल रही है, क्या हो रहा है पार्टी में कि आपको इतने दिन पार्टी के साथ रहने के बाद पार्टी का साथ अब छोड़ना पड़ गया? मेरे ख्याल से सही कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली की सारी बात आपने सुनी कि सबसे ज्यादा काम करने वाले, कुर्बानियां देने वाले, थ्योरिटिकल सोच रखने वाले लोगों को बेइज्जत करके निकाला गया। प्रशांत भूषण, जोगिंदर यादव, आनंद कुमार, अजीत झा, इतने नहीं, पंजाब में भी अकेले मेरी मनमानी चले, दो सबसे वरिष्ठ, सबसे बाइज्जत दो पार्लियामेंट के मेंबरान को भी निकाल के बाहर किया। गांधी जी की इज्जत पूरे पंजाब में है। और हरिंदर सिंह खालसा, जो शेड्यूल कास्ट होने के साथ साथ इतने अच्छे खानदान का था कि उनके वालिद सर सिकंदर हयात के सेक्रेटरी थे अंग्रेजों के जमाने में, जब सर सिकंदर हयात पंजाब के प्रधानमंत्री थे तो उनके वालिद सर सिकंदर हयात के सेक्रेटरी रहे, काबिल आदमी, अच्छी सोच के, उनको भी पंजाब से निकाल के बाहर कर दिया गया। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आपने इस्तीफा आप दिया। कोई ऐसा आदमी जो उनकी राय के खिलाफ राय रखता हो वो उस पार्टी में रह नहीं सकता। क्या आपको भी निकालने की तैयारी थी और इसलिए आपने उससे बचने के लिए आपने खुद ही पार्टी से बाहर निकलना बेहतर समझा? ईमानदारी की बात है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जहां तक मुझको उड़ती पड़ती मिली है कि जोगिंदर यादव और प्रशांत भूषण के साथ मुझको भी प्लान था, लेकिन किसी वजह से मेरा नाम निकाल दिया गया था और वही दो ही को किया गया। आपने आज हिटलर का जिक्र किया, तानाशाह का जिक्र किया, क्या इन दोनों का ताल्लुक केजरीवाल से है? आप उन्हीं की तरफ कहना चाह रहे हैं? आपने ये भी कहा है कि पार्टी में तानाशाही है, पार्टी तानाशाही रवैया का जिक्र जो है वो केजरीवाल के लिए है, लेकिन जिस हिटलर शाही की तरफ पूरे देश को मैंने आगाह किया है वो उसका ताल्लुक आरएसएस से है। फिर अरविंद कौन से तानाशाह है? हिटलर नहीं है तो फिर कौन से तानाशाह है? जिसको चाहे वो रहे, वो जिसको ना चाहे निकाल दें पार्टी से। जो लोग निकाले गए हैं, जो मैं आज निकला हूं, आम आदमी पार्टी खड़ी करने में दिमाग, जबान, कलम और जेब चारों खर्च करने में इसमें से कई लोग जो हैं अरविंद से ज्यादा हैं। हाँ, क्या आप ये मान रहे हैं कि ये पार्टी एक आदमी की पार्टी हो गई है? नहीं, एक आदमी की तो मैं मान के चल रहा हूँ 6-8 महीने से। हाँ, मान के चल रहा हूँ कि एक आदमी की पार्टी है, और एक आदमी की पार्टी में रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, वरना एक आदमी की पार्टी बीएसपी है, मैं बीएसपी छोड़ के क्यों आता? बीएसपी ज्यादा मीठी थी। अब 6 महीने से लगातार पार्टी की गतिविधियों से दूर थे, क्यों? इसलिए कि मैं संतुष्ट नहीं था। मैं संतुष्ट नहीं था, उस पर वक्त देना, दिमाग खर्च करना, उसके लिए कलम चलाना, उसके लिए पैसा खर्च करना, मैं समझता था कि व्यर्थ है। हाँ, ये थे मेरे साथ इलियास आजमी, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के साथ साथ पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल, ये आगे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे वो फिलहाल इन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार और स्वराज अभियान के नेताओं की तारीफ जरूर इलियास आजमी ने की है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले दिनों में इनमें से किसी एक के साथ इलियास आजमी नजर आ सकते हैं। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।